आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आप लोग का एडमिशन प्रोसेस जो है आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, आप लोग की क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या सिलेबस होने वाला है, बच्चे काफ़ी परेशान हैं, कितने पेपर्स होंगे, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्या कौन सी बुक आपको लेनी है, ठीक है, कौन सी बुक्स आपको परचेस करनी है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, कितने पेपर होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम की टोटल तैयारी करवाई जाती है, चाहे आप बीए के हों, चाहे बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, यूजी, पीजी, किसी भी कोर्सेज की बात करें। यहाँ पर अगर हम एलएलबी पार्ट वन और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो टोटल आपके जो सबसे पहले तो हमारा ये डाउट होता है कि हमें कितने टोटल पेपर पढ़ने हैं। तो टोटल आपके एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपके 5 पेपर होंगे। कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना, जो भी ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसको आप नोट डाउन करते चलना। टोटल आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 पेपर हैं, ठीक है। अब 5 पेपर कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेपर वन, अभी हम लोग बुक्स की भी बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। पेपर वन की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो पेपर वन है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब, उसमें जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, कौन कौन से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब पारित हुआ, टाइप्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो सारे पढ़ने आपके। तो सबसे पहला आपका जनरल प्रिंसिपल, इसमें आपको सेक्शन 1 to 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड द इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इसमें ये भी ये सारे जो केसेस हुए हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये केस जो है ना कि इनके और इनके बीच में जो भी ये कॉन्टैक्ट हुआ था, ये सारे केसेस हैं उसको आपको पढ़ने हैं। ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है, कि गार्बल एंड कार्बोलिक स्मोक ऑल, ठीक है, ये केस लोग बीच में क्या चीज़ें इसमें हुई थी, तो वो सारी चीज़ें तो आपको पेपर वन में टोटल पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर सत्यव्रत घोष और मुगनीरम बैंगूर में, फिर यहाँ पे भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस किसके बीच में, गिरिधरी लाल पुरुषोत्तम दास के बीच में, और नेक्स्ट है सेल्स टैक्स ऑफिसर बनारस वर्सेस कन्हैया लाल मुकुंदला, मतलब इन लोग के बीच में जो भी केसेस हुए हैं उसको आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर बात करें सेकंड, अब यहाँ पर पेपर वन के लिए कौन सी बुक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पर आपके टोटल 5 पेपर हैं, 5 पेपर बैरेट पेपर के अलावा, आपको बैरेट बुक के अलावा आपको एक और बुक लेनी है, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी आपको वो सारी चीज़ें के लिए आपको यहाँ पर अवतार सिंह, अगर हम बात करें अवतार सिंह की किताब, ठीक है, अवतार सिंह की किताब आप परचेस कर लेना मार्केट से, जो कि यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी माध्यम में उपलब्ध होंगी, हिंदी जिस माध्यम में अगर आप इंग्लिश चाहते हो, इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश में, ठीक है। तो अवतार सिंह की बुक बेस्ट है, आप इसको परचेस कर सकते हो। हर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ एक बैरेट बुक चाहिए ही, तो आप कोई भी बैरेट बुक कोई भी ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप ये अवतार सिंह पेपर वन भी आप ले सकते हो। बात करें यहाँ पर इसकी प्राइस भी मैं बता देती हूँ, जो प्राइस है आपकी 645 है यहाँ पर, ठीक है। अब जो भी डिस्काउंट होगा 20 to 25% वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है अगर हम सेकेंड पेपर सेकेंड की बात करें, तो सेकेंड पेपर में आपका क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब यहाँ पर जो भी उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर से जितने भी रिलेटेड जो भी लॉ बनाए गए हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट से, उसके रिगार्डिंग आपको सेकेंड पेपर में पढ़ना है। पहले पेपर में तो हमने कॉन्ट्रैक्ट से जितने भी रिलेटेड दिए गए हैं वो पढ़ना है। दूसरे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बात करें तो क्या इसका टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग डिफिनेशन एलिमेंट्स एंड द नेचर ऑफ द टॉर्ट्स। दूसरा है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसमें आपका फर्स्ट है और सेकेंड मीन्स प्रिंसिपल ऑफ फॉल्ट एंड नो फॉल्ट लाइबिलिटी है। दूसरा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ वेरियस लाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, एग्जेप्शंस डिफेंसेस फ्रॉम टॉर्टियस लाइबिलिटी।
कंसेंट क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, नेसेसिटी क्या होती है, छोटे छोटे टर्म्स काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करें लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन टॉट टॉट में यहाँ पर क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं वो। तीसरा अगर हम चौथा बात करें डैमेजेस एज अ रेमेडी इन टॉट, अगर कितने तरह के डैमेजेस होते हैं और उन कौन कौन से मेज़र होते हैं उन डैमेजेस को, ठीक है। दूसरा ये पांचवा है स्पेसिफिक टॉट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये सारे जो टर्म्स हैं ट्रिपास है, नेगलिगेंस है, नेगलिकेंट है, मिस स्टेटमेंट है, नर्वस शॉक है, नर्शंस है, डिफेंशन है, डिसेंट है, ये सारे, ठीक है, ये स्पेसिफिक। छठवां है अब्सोल्यूट लायबिलिटी अगर हम बात करें, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आए इसमें क्या क्या आपकी अगर हम बात करें क्या मेन एम था, क्या ये प्रोटेक्शन लॉ किसके तहत आया था, क्या था, वो सारी चीज़ें। नो फॉल्ट लायबिलिटी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की हम बात करें, इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड केसेस थे ये केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो पांचों केसेस दिए गए हैं अगर हम डाउनिंग एंड स्टेवेंसन की बात करें, ओवरसीज और मॉर्स डॉग के बारे में बात करें तो ये सारे केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका पेपर सेकेंड था। पेपर सेकेंड के लिए आपको बैरेट बुक लेनी है। बैरेट बुक के साथ आपको यहाँ पर मैं नाम लिख दे रही हूँ। पेपर सेकेंड के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, आर के बांडिया जो है यहाँ पर बांडिया बुक लेनी है, जो कि इसकी प्राइस है 450 रुपीज़, ठीक है, 450। आप वो 20-25% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे आपको, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड पेपर के लिए है। आते हैं थर्ड पेपर पे। थर्ड पेपर जो है हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं MCQ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। पेपर थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर नंबर 1 है, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले यूनिट की तो मीनिंग नेचर कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता क्या है, उसकी क्या मीनिंग होती है, क्या उसके नेचर होते हैं, क्या उसकी विशेषता होती है, कौन कौन से उसमें प्रीएम्बल होते हैं, अगर फीचर्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें क्या होता है, डॉक्ट्रिन एंड द सेपरेशन ऑफ द पावर, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं उसकी कैसी विशेषता होती है वो आपको पढ़नी है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में क्या अंतर होता है ये बताना है। फिफ्थ अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जुरिडिक्शन है, जुडिशियल पावर क्या है, फेडरल आइडिया है, किस तरह का नेचर होते हैं इंडियन पॉलिटी की, जुडिशरी अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम में क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, और यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ द इंटर स्टेट अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें क्या क्या इमरजेंस होते हैं, क्या प्रभाव डालता है, ये आपको पेपर नंबर 3 में पढ़ना है। जो भी केसेस हैं इंदिरा नेहरू गांधी प्लस राज नारायण के बीच में क्या था ये केस, ऑटोमोबाइल्स ट्रांसपोर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, ये सारे बहुत ज़्यादा टफ होते हैं जो कि लर्न करने में, इसको भी हम लोग आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। SR बॉम्बे और यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, स्पेशल रेफरेंस की बात करें। पेपर नंबर 4 की बात करें तो फैमिली लॉ, जो कि हिंदी फैमिली लॉ है, हिंदू लॉ है, इसमें हिंदू लॉ पढ़ना है कि कहाँ कहाँ से इसके सोर्सेज होते हैं अगर हम यहाँ पर हिंदू लॉ की बात करें। दूसरा है मैरिज अमंगस्ट हिंदूज। अच्छा, पेपर नंबर हमने थर्ड में आपको नहीं बताया, तो पेपर नंबर थर्ड में आपको बैरेट बुक के अलावा एक बुक आपको लेनी है, जो कि मैं बता दे रही हूँ, इसका नाम आपका डॉक्टर जय नारायण की बुक आपको लेनी है, डॉक्टर जय नारायण पांडे की बुक, ठीक है। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सेकेंड सेमेस्टर वगैरह के लिए, आगे के सेमेस्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर तो डॉक्टर जय नारायण पांडे जी की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर 4 की बात करें तो हिंदू लॉ में भाई अगर मैरिज एक्ट है, जो भी मतलब यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कितने मैरिज के क्या नेचर होते हैं, कितने तरह के मैरिज होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ क्या होती हैं, जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन, जितने भी आपके हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड हैं, माइनॉरिटी एंड द गार्जियनशिप अमंग हिंदूज, एडॉप्शन अमंगस्ट हिंदूज, ये सारे आपको पढ़ने हैं, जॉइंट फैमिली वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। प्रिस्क्राइब केसेस आप देख सकते हो यहाँ पर ज्योतिष चंद्रा एंड मीरा, तो इन सारे जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट है। और पेपर 4 के लिए आपका पारस दीवान, पेपर 4 के लिए जो इंपॉर्टेंट है आपका पारस दीवान की किताब, ये इंपॉर्टेंट है बैरेट बुक के साथ। बात करें आपका जो लास्ट पेपर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अगर हम बात करें, तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में यहाँ आपको
इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब होता है भाई, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इसको ओरिजिन कहाँ से आया, कहाँ कहाँ पर इसका डेवलपमेंट है, अगर सोर्सेज क्या हैं, सब्जेक्ट्स क्या हैं, इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ में क्या अंतर है, स्टेट रिकॉग्निशन और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, नेशनैलिटी स्टेटनेस, ये सारी चीज़ें, मतलब लॉ ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम लॉ से जितने भी इंटरनेशनल लॉ हो गए उनसे रिलेटेड जितने भी आपके हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिस्क्राइब केसेस आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो 100 केसेस हैं, ठीक है, कोई भी केसेस आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और कौन से केसेस किसके किसके बीच में हुए हैं यहाँ पर पूछ सकता है। तो ये सारे आपके LLB फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो टेलीग्राम लिंक से ज़रूर ज्वाइन हो जाना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन होगी, नोट्स होंगे, आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर जाना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है।